सीईओ हेल्थ डॉक्टर अमीर अहमद खान का तहसील अस्पताल पिपला और हेल्थ सेंटर हाफिजवाला का दौरा। इंतजामिया अमूर में गफलत और लापरवाही पर दोनों अस्पतालों की इंतजामिया पर इजहार बरहमी किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा चैनल 51 चौधरी मोहम्मद आसिफ अराई की ये रिपोर्ट। हुकूमत अवाम को इलाज मुआलजा की बेहतर सहूलियात के लिए कोशां है। हुकूमत ने इलाज मुआलजा के हवाले से तमाम तर सहूलियात फराहम की हैं। इंतजामी अमूर को बेहतर बनाने की जरूरत है। ओवरऑल जो हमारे एक ट्रेंड बन गए काम ना करने वाला, वो इफेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को। गवर्नमेंट ने सब कुछ चीज़ें दी हैं, अब इसमें क्या गवर्नमेंट ने करना है कि इस चीज़ को इधर रखना है तो आप इसको इधर रख के बैठे हुए हैं। इसमें तो गवर्नमेंट का रोल नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करनी है, आपको एचआर देनी है, मैक्सिमम एचआर दे दी गई है। आपका टीएचक्यू हॉस्पिटल पिपला 3 डॉक्टर से चल रहा था, इस वक्त 36 डॉक्टर हैं। मैं खुद अस्पतालों का जायजा ले रहा हूं। एक माह के अंदर अंदर हुकूमत ने जो वसाइल फराहम किए उनसे अवाम मुस्तफीद होंगे। कोई जादू की छड़ी नहीं होगी, दी हुई है गवर्नमेंट ने। डायलिसिस है, डायलिसिस को चलाना कोई नहीं चाहता। ब्लड बैंक की ट्रेनिंग करके डॉक्टर साहब आए हुए हैं, वो आके सो रहे हैं उधर, और उसने किसी को कुछ कहा ही नहीं कि मैं ट्रेनिंग करके आया हूं, मुझे ब्लड बैंक में बिठाए, मैं ब्लड बैंक का इंचार्ज हूँ। उसने बिल्कुल बॉदर ही नहीं किया। ये चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिसमें हम देख रहे हैं, इनको समझाएंगे बेहतर तरीके से कि ये। सीईओ हेल्थ का जिला कौंसल डिस्पेंसरी की बोसीदा बिल्डिंग से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहना था कि समरी भिजवा दी है, उसको भी जल्द इंशाल्लाह एडीपी में शामिल कर लिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि हकूमती वसाइल के मुताबिक अवाम को हर सूरत इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। गफलत और लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएगी।